दोस्तों आज है 10 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करूंगा आप लोगों को हैरत कर देने वाली एक न्यूज के साथ में। पाकिस्तान में अंधविश्वास की हद सर में ठोकी कील। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछे या फिर मैं ही पूछूं कि क्या आप लोग अपने सर में कील ठिकवा सकते हैं अगर आप लोगों की कोई एक विश में पूरी करूं, आप लोग बोलो कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, मेरे सर में कील ठोक दो, क्या आप लोग इस चीज को बोलोगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं? कई सारे तो ये बोलेंगे कि सर पागल हो गए क्या सुबह सुबह, पर लेकिन रियलिटी में ये अंधविश्वास की प्रकाशता आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पाकिस्तान में पेशावर पुलिस के द्वारा यहां पर इस चीज की छानबीन की जा रही है। एक पर्टिकुलर जो मौलवी या फिर पीर आप लोग बोल सकते हैं, उनके द्वारा एक महिला को ये विश्वास दिलाया गया कि अगर वो अपने सर में कील ठुकवा लेगी तो यहां पर उनको बेबी बॉय होगा। यानी कि यहां पर भी वही एक घटना है जिसमें अक्सर लोग आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ लड़का पैदा हो जाए, तो वही घटना यहां पर भी देखने को मिली। ऐसी ये खबर इसलिए नहीं कि यहां पर पाकिस्तान की जस्ट ओनली खबर है। कुछ दिनों पहले अगर आप लोगों को याद होगा एक खबर मैंने इंडिया के अंदर आप लोगों को बताई थी, मुझे एग्जैक्ट राज्य याद नहीं आ रहा है। वहां पर महिला को जब चंद्र ग्रहण हो रहा था तो जमीन के नीचे उसको दबाया जा रहा था, ठीक है, ताकि उसको लड़का पैदा हो या फिर लड़का पैदा हो तो वो अपंग पैदा ना हो। तो कई सारी ऐसी धारणाएं आप लोगों ने नॉर्मली सोसाइटी में देखी होंगी, पर लेकिन जब ये धारणाएं यहां पर कनेक्ट हो जाती हैं जाकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ में, यानी कि लड़का या फिर लड़की के भेदभाव के साथ में, तो ये और भी एक तरीके से ग्रेव, यानी कि एक तरीके से और भी गंदी दशा यहां पर बन जाती है। तो यहां पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। आप लोग ये पिक्चर्स देख सकते हैं, पुलिस जो है उसको ढूंढने पर लगी हुई है और यह पाकिस्तान में बेसिकली डीआईजी हैं जिनके द्वारा यहां पर ट्वीट भी किया गया कि बेसिकली चीजों को जल्दी जल्दी टैकल किया जाएगा और जो वुमेन है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई, पर लेकिन आप लोग अगर इन सिचुएशन को देखोगे तो बकायदा आप लोगों को यूपीएससी भी मेंशन करती है। अगर हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती है, खासकर जिसमें हम लोग एक पैट्रियारिकल सोसाइटी में रहते हैं, पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और वहां पर सबकी इच्छा होती है कि मेरा वारिस मुझे मिल जाए, यानी कि लड़का पैदा हो जाए, तो ये लड़का पाने के चक्कर में किस हद तक इंसान आज की डेट में गिर रहे हैं धरती के ऊपर। एक देश का नाम नहीं ले रहा हूं, पूरी धरती के ऊपर आप लोगों को नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलेगी और जहां पर हद पार कर दी जाती है लड़का पाने के लिए, तो उसी में से एक हद यहां पर ये पाकिस्तान के अंदर पार की गई। तो आप लोग सोच सकते हैं यहां पर कितनी बुरी दुर्घटना यहां पर ये देखने को मिली। तो आई होप कि ऐसा कुछ भी अगर आसपास में आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगा तो इन सब चीजों से आप लोग अवेयर रहेंगे और कभी भी किसी के बुलावे में आकर, बहकावे में आकर कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन आप लोग नहीं लेंगे जिससे कि आप लोगों को कुछ ऐसी दुर्घटना या फिर दुर्दशा देखने को मिले। तो ये थी कुछ बातें। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, काफी कुछ मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ में पूरा डिस्कशन देखेगा वीडियो के एंड तक का, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले हम लोग यहां पर एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद में फिर न्यूज के ऊपर हम लोग चलेंगे, यानी कि कंप्लीट न्यूज़पेपर कवर करूंगा। और नॉर्मली आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो आप लोग उन क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाएंगे अगर रेगुलर आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करेंगे, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं वो हमेशा बताते हैं कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है कितना रोल उनकी लाइफ में प्ले करके गया। तो हमेशा एक न्यूज़पेपर को अपनी लाइफ में अपना पार्ट बनाकर जरूर रखिए। वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखते हैं तो आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। दो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, एक तो आज के ही डिस्कशन से होगा और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यूपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पर तैयारी कराकर जाएगा। इसी के साथ में प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उनके आंसर भी आप लोगों को देने। वीडियो के एंड में जाते जाते आप लोगों को वोकैबुलरी भी देखने को मिलेगी और वोकैबुलरी आप लोग अगर एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं, और आंसर राइटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों के पास में एक वोकैबुलरी बेस होना चाहिए, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा लेक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, एंड तक बने रहिएगा तो ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को माइंड में अपने क्लियर कर चल सके। दोस्तों यहां पर चार एडिटोरियल में आज कवर करूंगा जो कि काफी इंपोर्टेंट है, डिटेल में उन एडिटोरियल को देखेंगे। यहां पर केरला के मॉडल के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इंपोर्टेंट है यहां पर। वैसे तो ये केरला के बारे में बात कर रहा है पर लेकिन आप लोगों को केरला पर फोकस देकर नहीं देखना है इस एडिटोरियल को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है वो किसी भी राज्य में यहां पर बन सकती है, तो उस तरीके से ये पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कई सारी एमएनसी जो है उसने हमारे देश में उनकी कंपनीज ने क्या किया अभी यहां पर कश्मीर के खिलाफ कमेंट किया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे देश के खिलाफ कमेंट किया,
तो समझेंगे क्या इशू है पूरा और क्या इशू को इतना बड़ा इशू बनाया जाना चाहिए था। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग मुझे फैक्ट लगा जो कि आप लोगों को सुनकर भी यहां पर मतलब समझ में आएगा कि एक गेम कैसे खेला जाता है, मतलब किसी कंट्री को बदनाम कैसे किया जाता है, तो वो समझेंगे। तो हम लोगों को क्या रिएक्शन देना चाहिए वो भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अभी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है रसिया वाले मुद्दे पर यूक्रेन को लेकर, तो पूरा आर्टिकल डिटेल में जानेंगे। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें, क्या हर टाइम प्राइवेटाइजेशन सही है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, अच्छे से पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूं यहां पर। ये साइड वाला आर्टिकल जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये साउथ इंडिया में आप लोगों को जो पॉलिटिक्स हो रही है खासकर बात करें किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, और ये इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी नहीं डिस्कस करेंगे। ये है डेटा पॉइंट, इस पे आप लोग थोड़ा सा नजर जरूर डाल लीजिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो हमारी कंट्री में एक तरीके से खिताब जीते गए, तो उसी के चलते यहाँ पर ये वर्ल्ड चैंपियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन की एक लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है किस किस के द्वारा कैसा रोल प्ले किया गया, तो ये पूरा डेटा पॉइंट जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। न्यूज एनालिसिस में काफी इंपोर्टेंट पोर्शन है, एक एक कर नजर डालेंगे, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। पहले तो यहां पर इलेक्शन के बारे में बात करूंगा, यहां पर एक काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूजन और फिजन के बारे में, ठीक है, तो समझेंगे काफी डिटेल में आखिर क्या इशू चल रहे हैं यहां पर, ये भी हम लोग समझेंगे बेसिकली हिजाब को लेकर। इसी के साथ में यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ऐसा क्या बोल दिया गया कि तेलंगाना में प्रोटेस्ट होने लगा, इसी के साथ में यहां पर कुछ और बातें जानेंगे अभी रिसेंटली जो चीजें देखने को मिल रही हैं। आर्मी के द्वारा यहां पर रेस्क्यू किया गया कई सारे लोगों को, इसरो के द्वारा 14 फरवरी को अभी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन डे बनाना है तो ऐसे बनाओ जिंदगी में, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि आप लोग की सक्सेस जो है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए हमेशा, इस तरीके से आप लोगों को हमेशा कभी भी कोई भी चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो काफी अच्छा। पूरे मिशन के बारे में बात करने वालों, अर्बन नक्सल क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से ये शब्द के बारे में पूछूं तो इस अर्बन नक्सल को क्या आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, अगर हाँ तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, इसको आप लोग जरूर डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आज तो कमेंट बॉक्स देखिए ओपन है, पर लेकिन कल की वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स था वो ओनली मैंने अपने लिए ओपन रखा था, मतलब आप लोग कमेंट तो कर सकते थे पर लेकिन आप लोगों को कोई भी कमेंट नहीं दिखेगा, जैसे आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग की साइड से कमेंट गायब हो जाएगा और वो कमेंट मेरी साइड पहुंच गया। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने कल कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल किया, मेरे पास में लगभग 3,500 के करीब तो नॉर्मली जब मैंने देखे थे तब कमेंट आ चुके थे, ये लगभग 7-8 बजे तक, और अभी वो लग रहा है 4,000 क्रॉस कर चुका होगा। अभी भी और भी कमेंट आप लोग कीजिएगा जो भी आप लोगों को लगता है कि क्या क्या चेंजेस आप लोगों को लगता है होने चाहिए, किस तरीके से पैटर्न को करना चाहिए, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो कल की वीडियो जो है द हिंदू की उसके नीचे आप लोग जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का कमेंट जैसे कर देंगे वो आप लोगों की साइड से गायब होगा, पर मेरे पास में सारे कमेंट पहुंच रहे हैं, तो टेंशन मत लेना। अपने पर्सनल चीजें भी अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली नहीं दिख रही है वहां पर वो, और ना ही दिखेगी, वो कल की वीडियो के नीचे है बस ओनली, आज सारे कमेंट दिखेंगे, अच्छे से आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं या फिर जो भी आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नई वैक्सीन हमारे देश में आएगी, mRNA से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पर बल जा रहा है, अप्रैल तक हमारी दवाई होगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जॉब की वजह से लोगों के द्वारा सुसाइड किया गया है, समझेंगे मुद्दा क्या है यहाँ पर। मैटरनिटी जो बेनिफिट मिले हैं यहाँ पर जो कि PMMVY स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। इसी के साथ में जॉब खाली है टीचर्स की ITs के अंदर, काफी बड़ा इशू आप लोग बोल सकते हैं, ये सुडोकू है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगी। और यहाँ पर क्वाड मेंबर के बारे में कुछ बातें की जा रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, और बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली पूछे गए थे उनके आंसर में आप लोगों को दूंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले तो जैसे अभी कई सारे राज्य के अंदर इलेक्शन है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन का दौर है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से वोट डालिएगा। पर लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, कल मैंने वीडियो के अंदर जो शाम को वीडियो आती है नैनो मैगजीन की, उसे मैंने कई सारी बातें पढ़ाई थी, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर पूछा गया उसके बारे में, तो मैं वो बात आप लोगों से करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये है इंग्लो इंडियन की कम्युनिटी के बारे में, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, मैं आप लोगों से जिस तरीके से बात करूंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार टॉप पॉइंट तो आप लोगों को पता होता है पर लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये बेसिकली जो पॉइंट होगा वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है आंसर राइटिंग के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। बेसिकली आप लोग जब लिखते हैं ना चीजों को तो आप लोग उदाहरण के साथ में लिखते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो होती है वो दो पार्ट में नॉर्मली देखने को मिलेगी, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। सुबह 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 पेन चलाने में दिक्कत काफी होती है, हालांकि थोड़ी सी थोड़ा सा ना नॉर्मल हो गया टेम्परेचर फिर भी, लेकिन अभी भी मॉर्निंग के टाइम पे रहती है।
तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो लोकसभा राज्यसभा और बाद में अगर आप लोग ऐड करेंगे तो प्रेसिडेंट वो हो जाएगा, वो एक अलग बात है, पर लेकिन हम लोग अभी यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करने वाले हैं। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होती है आप लोगों को पता है, 250 सीट आप लोगों को राज्यसभा में देखने को मिलेगी। जो 250 सीट होती है इसमें से 238 सीट जो होती है यानी कि 238 ये होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए, और बाकी की जो 12 सीट होती है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो नॉमिनेटेड मेंबर आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं वो निकल कर आते हैं किससे, LASS, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये लास्ट क्या है, इनके 12 मेंबर जो चुने जाते हैं यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा वो इसमें से चुने जाते हैं। ये कईयों बार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जामिनर की लार टपकती है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। करंट जो स्ट्रेंथ है आज की डेट में जो स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री में राज्यसभा के अंदर वो 245 आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें से 229 जो है मेंबर वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 4 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी को, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आज की प्रेजेंट टाइम की जो परफॉर्मेंस है हमारी राज्यसभा की वो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, वो 250 हो सकती है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, ये 550 है। जी हाँ, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले हमारी कंट्री में आप लोगों को यहां पर ये 552 देखने को मिलती थी, 552 में से 2 सीट जो है वो भी यहां पर गायब हो चुकी है। अब आप लोगों के साथ में 550 है, 550 में से 530 जो है वो आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो सीट रहती है, और 20 जो रहती है वो यूनियन टेरिटरी की सीट रहती है। तो टोटल मिलाकर 530 यहां पर स्टेट की और 20 यूनियन टेरिटरी की, तो 550 सीट यहां पर होगी। और 2 सीट जो है उसके बारे में पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आर्टिकल बता रहा हूं, ठीक है, तो उसको आप लोग ढंग से सुनिएगा। यहां पर हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में टोटल प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बात करिएगा तो टोटल मिलाकर 543 सीटें हैं, 45 थी पर लेकिन यूनियन टेरिटरी वाली 2 सीट यहां पर गायब कर दिए, और 543 में से 530 सीट जो है वो राज्य के हिस्से में आती है और 13 जो है यहां पर वो यूनियन टेरिटरी के हिस्से में आती है। अब ये वाला था क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देने वाला हूं। यहां पर प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री में बेसिकली 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। एंग्लो इंडियन मतलब 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इंडिया की जो औरतें हैं, मतलब उसने तो खैर कम किया, इंडिया की जो लड़की है उन्होंने अंग्रेजों के साथ में शादी की, अंग्रेजों की जो लड़की है उन्होंने इंडियन के साथ में शादी की, तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, तो 2 एंग्लो इंडियन जो सीट है उनको वहां पर प्रेजेंट किया गया, ठीक है। चलो उस टाइम पर सही थी चीजें, हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया, पर लेकिन आज की डेट में ओनली इतनी कम पॉपुलेशन को 2 सीट दे देना वो लाजमी नहीं था, तो इसलिए यहां पर 2 सीट जो है वो खत्म कर दी गई है। लास्ट टाइम जिसको एक्सटेंड किया जा रहा था हर बार 10-10 साल के लिए कि हाँ 2 सीट अब दे देते हैं, 2 सीट अब दे देते हैं, तो अब यहां पर जो लास्ट टाइम इसको एक्सटेंड किया गया था वो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन किया गया था 95वें संशोधन के बेस पर यहां पर हम लोगों ने इनको 2 और सीट दी थी। कब तक का, ये 2020 तक का ओनली यहां पर इसको एक्सटेंड किया गया था, यानी कि हर बार इसको यहां पर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। तो लास्ट जो एक्सपेंड यहां पर किया गया था इसको, ये इसको 2020 तक के लिए कर दिया गया था जब 2009 का अमेंडमेंट लेकर आए थे 1995 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक बच्चा बोला है कि सर ये तो हटा दी गई है, इसका मतलब इस अमेंडमेंट के द्वारा हटाई गई थी क्या? नहीं, इस अमेंडमेंट के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया था, जैसे बोले बता संजय दत्त नहीं सर, तो इस अमेंडमेंट के द्वारा इसका एक्सटेंड किया गया था, और जो एक्सटेंड किया गया था यहां पर वो किया गया था 2009 के अमेंडमेंट के द्वारा जो कि 95वां अमेंडमेंट था, और 2020 तक बोल दिया। इसके आगे भी अगर हम लोग चाहते तो इसको 2030 तक बेसिकली एक्सटेंड कर सकते थे, पर लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने क्या किया, एक नया अमेंडमेंट लेकर आए जिसको बोलते हैं 104वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 2019 में, और ये जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी हम लोगों ने इनको क्या कर दिया, इनको हम लोगों ने खारिज कर दिया। खारिज मतलब अब यहां पर एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेटेड सीट आप लोगों को हमारी कंट्री में ना तो पार्लियामेंट में और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इनको हम लोगों ने अबोलिश कर दिया गया है। तो ये पूरा जो कहानी है मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि ये अगर क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे बिल्कुल कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो एक्सटेंड करने के लिए, और 104वां जो संविधान में संशोधन था वो था यहां पर बेसिकली वो सीट ही खत्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे जो देश में अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए, ठीक है, उसमें लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे पढ़ाए थे अभी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर में। इसी के साथ में यहां पर जो आप लोगों को बताना है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किस चीज से रिलेटेड है, ये स्टेट पीसेस में भी रिसेंटली सॉरी यार अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि यहां पर आप लोगों को बतानी है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो चाह रहे हैं कि पांचों के पांचों स्टेट में जीतेंगे। तो देखिए देखिए पॉलिटिशियन सारे अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छा काम करी तो उसको वोट देना, वरना आप लोगों को लगता है कोई और अच्छा काम करे तो उसको वोट देना, ये आप लोगों के हाथ में। ठीक है, तो ये पूरा जो डेटा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कई बार। ओके, एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर या फिर एक अच्छा निबंध अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हमेशा कोटेशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज एक कोटेशन है जो आप लोग की जो डिक्शनरी में आप लोग अपनी यानी कि एक कॉपी में ऐड कर सकते हैं, एक कोटेशन या फिर नई कुछ लाइंस जिनको आप लोग बोल सकते हैं, कोफी अन्नान साहब के द्वारा बोली गई है। बोला गया लिटरेसी इज द ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप, यानी कि लिटरेसी यानी कि साक्षरता आप लोगों को कहीं ना कहीं दुख यानी कि जो दर्द है उससे आशा की ओर लेकर चलती है, और यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक जो है बेसिकली सेतु यानी कि ब्रिज का काम करती है ये जो लिटरेसी यानी कि पढ़ाई। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान अगर पढ़ लिख लेता है तो उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो न्यूज बताई कि सर में कील ठोक दी गई, आप लोग देख सकते हैं अगर पढ़ी लिखी औरत होती तो यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो हमेशा अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए और अगर आप लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी अगर वहां पर देंगे ना तो ये एग्जामिनर को लगेगा हाँ रियल टाइम उदाहरण दे रहा है, प्रेजेंट टाइम के उदाहरण दे रहा है। तो आप लोगों के आंसर के अंदर और जान आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कि ताकत आ जाती है आंसर के अंदर, पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम के करंट के उदाहरण यहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर कोशिश कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, प्रीलिम्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाते हैं। और शाम को जो 8:30 बजे वीडियो आती है रेगुलर, उसमें ये पूरे टॉपिक कवर किए जाते हैं, फिर यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है जिससे कि आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर सके। बात की जाती है हमारे संविधान के अंदर, आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि फंडामेंटल राइट रखे गए आर्टिकल बेसिकली पार्ट थर्ड के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। वो आर्टिकल कौन सा है जो कि आप लोगों को पावर देता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म को आप लोग स्वतंत्र तरीके से अच्छे से लेकर चल सकते हैं, तो कौन सा आर्टिकल आप लोगों को ये पावर देता है? 25, 26, 27 या फिर 28 अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। और खासकर अगर रिलीजन के बारे में बात करें, अब की बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रिलीजन का टॉपिक। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कितने सारे रिलीजन के इशू निकल कर आ रहे हैं, कई हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई यहां पर मैरिज के बारे में बात करे, इंटर जो रिलीजन मैरिज के बारे में, ठीक है, कहीं कोई और नए इशू निकल कर आ रहे हैं, तो यहां पर रिलीजन जो है वो एक बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच गया है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा यहां पर ये हो गया कि फंडामेंटल राइट वाला आप लोगों का जो चैप्टर है वो अब की बार उसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना कम से कम एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अब की बार का उठाकर देख लो, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने है, तो 2 नंबर फ्री के हैं ये। ठीक है, इससे आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं सीरियस होकर अगर चीजों को लेकर चलोगे। अरेंज कर रहे हैं यहां पर जो कोल होता है यानी कि जो कोयला होता है उसको, आप लोगों की इंक्रीजिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी कि एक ऐसा होता है जिसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, एक ऐसा होता है बिल्कुल कड़क वाला कोयला होता है। तो यहां पर बात की जा रही है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पिट और इसी के साथ में बिटुमिनस। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2, 3, बी में बोला गया 2, 4, 1, 3, सी में बोला गया 3, 1, 4, 2 और डी में बोला गया 4, 3, 2, 1। कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, और इवन SLVpedia वाला जो टेलीग्राम है वहां पर तो मैंने पूरे नोट्स भी आप लोगों को इसके प्रोवाइड करा रखे हैं, जाकर हैशटैग कोयला सर्च कर लेना, सामने खुलकर सारी बातें आ जाएंगी, आंसर जोड़ देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था फ्लाई एस के बारे में। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया था जो कि फिलहाल आज की डेट में कोयले को यूज करने के बारे में ही बात करते हैं। जब यहां पर बात करते हैं फ्लाई एस यानी कि कोयले को जलाने के बाद में जो राख बचती है यहां पर, उससे रिलेटेड अगर कुछ बातें करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो बात की जा रही है यहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी के साथ में फेरिक ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2, 3, बी में बोला गया 2, 3, 4, सी बोला गया 1, 3, 4 और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों क्वेश्चन काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आप लोगों को बता दूं, कोयले की कमी हो गई थी हमारे देश में जब पावर प्लांट काम करना बंद कर चुके थे यहां पर। क्यों? क्योंकि COVID-19 की वजह से वहां पर जो कोयले की खुदाई नहीं हो रही थी, जहां खुदाई भी हो रही थी तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा नहीं रहे थे और उनको ढंग से यूज नहीं किया जा रहा था। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में जो है वो कोयले से बनाई जाती है, तो इसकी वजह से पूरे देश में ये संकट देखने को मिला था, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी बन गया था टॉपिक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करके चलिए, कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आ रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान जो है वो आप लोगों के सामने आकर बोल रहा है कि बाहर निकल, यानी आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामायण में जो क्या एक सीन है जो कि कई बार एक तरीके से उदाहरण के तौर पर भी बताया जाता है। अगर कोई कमजोर इंसान जो है वो आप लोगों के सामने आकर उछल रहा है कूद रहा है,
और वो आप लोगों को कुछ बोल रहा है कि हाँ तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई और खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। जैसे सुग्रीव और बाली वाला केस आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर राम जी जो खड़े थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे खड़े हुए थे, किसके, सुग्रीव के। तो इसलिए वो बार बार जाकर बाली को चिल्ला चिल्लाकर बोला था, ओए बाली बाहर निकल, आज हिम्मत है तो मेरे साथ में तो टक्कर कर, जबकि उसको पता था कि बाली जो है वो उसकी एक तरीके से फरकच्चे उड़ा देगा, पर फिर भी वो सारी चीज देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर कोई इंसान जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इतना, और वो रैंडम तरीके से आकर उछलने लगे, तो जिंदगी में समझ जाना उसके पीछे कोई और खड़ा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, आनंद फानन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मतलब क्या, मतलब अभी समझाता हूं। अभी हमारी कंट्री के बारे में कई सारे जो एमएनसीज हैं जिनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कॉरपोरेशन, ये जो कंपनीज है, जैसे हमारी कंट्री में कौन सी है, आज के में अगर बात करें ह्यूंडई हमारी कंट्री में है, काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारी गाड़ी बेचती है, केएफसी के आप लोग दुनिया भर के आज के में आप लोग देखता होगा यहाँ पर जो केएफसी है नॉर्मल, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे ब्रांड हमारे देश में आज के में अवेलेबल है। पिज्जा हट के बारे में बात की जा रही है तो ये भी हमारे देश में अवेलेबल है, तो ये हमारे देश में भी अवेलेबल है और अलग अलग कंट्री में है, इसी के साथ में पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो ये इशू ये बन गया, अभी पाकिस्तान में यहाँ पर एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको एक कश्मीर सोलिडरिटी डे बोलते हैं, यानी कि मतलब ये बोलते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं और आप लोगों को आजादी दिलाकर ही रहेंगे, ऐसा इनका मानना है बेसिकली पाकिस्तान वालों का। तो उसके चलते यहाँ पर पाकिस्तान वालों का नहीं, बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एजेंडे हैं यहाँ पर ये। तो इनके जो यहाँ पर हर कंट्री में देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारी कंट्री में आई ह्यूंडई, ठीक है, तो ह्यूंडई क्या करेगी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो ह्यूंडई इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूंडई इंडिया का, तो ये आप लोगों को फील देते हैं कि हम जो है लोकल ही हैं, हम लोग बाहर की कंपनी नहीं है। तो हर एक उसके सामने यहां पर ह्यूंडई इंडिया, मान लीजिए कल को आप लोग कोई कंपनी बनाए एबीसी, ठीक है, वो एबीसी कंपनी जो है पाकिस्तान में जाएगी तो उसके सामने एबीसी पाकिस्तान हो जाएगा, कल को वो कंट्री जो है कंपनी इंडिया में आएगी तो एबीसी इंडिया हो जाएगा, यूएसए में जाएगी तो एबीसी यूएसए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या मतलब हो गया कि लोकल एरिया के लोगों को ये फील कराना कि हाँ हम लोग यहीं के हैं और वहां पर कायदे कंपनी रजिस्टर कर अपना काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान में जो ह्यूंडई की जो लोकल ब्रांच यहां पर रजिस्टर है उसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि एक तरीके से कश्मीर सोलिडरिटी के साथ में खड़े हुए और यहां पर बेसिकली एक तरीके से जो ये पूरा डल लेक का भी यहां पर वो नजारा दिखाया गया, ऐसा ही कुछ यहां पर जो केएफसी के द्वारा काम किया गया और यहां पर वी स्टैंड विद यू, तो कश्मीर सोलिडरिटी डे पर ये सेम बात बोली गई यहां पर पिज्जा हट के द्वारा भी। तो कई सारी ऐसी यहां पर बातें सामने निकल कर आई। तो ये जो बातें यहां पर सामने निकल कर आई तो सबने ये बोला कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजें सपोर्ट की जा रही है। आखिर कोई कंपनी किसी देश में जाकर ऐसे ट्वीट क्यों करेगी, क्योंकि उनको पता है अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो व्यापार कर रही है वो 5% भी नहीं है जितना व्यापार ये इंडिया के अंदर में करती है, तो इंडिया के अंदर उनको कितना ह्यूज नुकसान हो सकता है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर में कि इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे हम लोग को हैंडल करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान चाहता क्या है, ऐसी ऐसी हरकतें करकर पाकिस्तान सीधा सीधा एक काम चाहते हैं कि वो जो है कश्मीर के इशू को बार बार जो है इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की नजर में लेकर आए, इस इशू को बार बार इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए, और ये इस इशू को बार बार इंटरनेशनलाइज करने में कहीं ना कहीं सफल भी हो जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में से जो रिएक्शन है वो बड़ी ही खतरनाक लेवल की निकल कर आती है इस मुद्दे पर। तो जैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे तो पब्लिक में यहां पर खासकर हमारी गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी तो यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया कैप्चर करेगी और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करेगी, तो और ज्यादा वो पब्लिक में इशू बार बार निकल कर आएगा। मुद्दा मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पर, अगर ये मैप आप लोग देख पा रहे हो, ये पुराना मैप है, अभी नया मैप भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये यहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, यानी कि हमारा जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर रखा है यहां पर, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके इधर वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। इसी के साथ में ये जो टेरिटरी थी यहां पर, ये 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि 1962 में जब इंडिया और चाइना की वार हुई थी जिसमें इंडिया हार गया था, तो इसमें ये लग रहा था पाकिस्तान को कि अब तो मजा आ गया और पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर यहां पर चाइना को ये एरिया पकड़ा दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब जो है यूएसए साथ दे या ना दे पर चाइना साथ देगा, तो यहां से चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो और ज्यादा सुदृढ़ होने स्टार्ट हो गए और चीजें और ज्यादा आगे बढ़ी। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो यहां पर ये लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो दोनों को कंफ्यूजन में मत लेना। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एक तरीके से आनंद फानन ने पकड़ लिया और यहां पर चाइना के द्वारा बाकायदा छीना गया यहां से और ये इंटरनेशनल लेवल का इशू बन गया जिसकी वजह से यहां पर ये चीजें होगी। तो अभी आज की डेट में अगर प्रेजेंट मैप आप लोग देखोगे यहां पर, प्रेजेंट मैप पहले आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता था जब यहां पर सारा पोर्शन था, इसी के साथ में यहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन अब यहां पर इनके कंट्रोल में चला जा चुका है, अक्साई चीन वाला इनके में,
और प्रेजेंट टाइम पर जो हम लोगों ने मैप को मॉडिफिकेशन किया है, अभी हम लोगों ने लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, तो इसके बेस पर अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें ये लद्दाख वाला पोर्शन आप लोगों को नजर आएगा और ये हो गया यहाँ पर जम्मू वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर आप लोगों को जो कश्मीर वाला इधर थोड़ा देखने को मिलेगा, बेसिकली है कि यहाँ पर ये देखिए इसको जब आप लोग डिसाइड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसमें आप लोगों को जम्मू और कश्मीर अलग अलग नजर आएगा। इसके ऊपर एक इशू था जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, तो ये शाम की वीडियो में देखिए टॉपिक ऐसे रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो हिंदू के अंदर जो आएगा मैं वही डिस्कस करूंगा ना, ठीक है, पर लेकिन कई सारे टॉपिक ऐसे हैं अगर हिंदू के अंदर नहीं आ रहे या फिर लेट कवर कर रहे हैं तो तब तक जो शाम की वीडियो आती है पीआईबी में जैसे कवर कर लिया वो टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल जो होते हैं उनमें कवर कर लिया, तो सारी चीजें आप लोगों को 8:30 बजे शाम को मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो उसको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप लोगों की हो जाएगी जिसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा एक न्यूज़पेपर आप लोग कवर हो रहा है जो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग लगता है कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो उसको भी आप लोग अपनी स्टडी का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर कवर की गई, तो उसमें मैंने बताया कैसे कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया, तो वो सारा मुद्दा दूसरा है। अभी पाकिस्तान क्या चाह रहा है, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये वाला पोर्शन तो इसने हथियार रखा है, अब इस वाले पोर्शन में हमेशा ये क्या करता है बेसिकली लोगों के अंदर आक्रोश भरने की कोशिश करता है, लोकल एरिया के लोगों को यहां पर एक तरीके से नहीं उल्टी सीधी बातें बोलकर उनको एक उकसाने की कोशिश करता है हमारे देश के खिलाफ, खुद हमारे ही कंट्री के खिलाफ, तो ऐसे ऐसे हमेशा स्टेटमेंट देता रहता है, तो वो मौके ढूंढता रहता है कि कहां पर ये हरकतें कर सकता है। तो ऐसा ही मौका अभी यहां पर इसको देखने को मिला जब यहां पर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे ये सेलिब्रेट कर रहे थे, इसको कश्मीर एकता दिवस बोलते हैं, 5 फरवरी को इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके द्वारा जैसे यहां पर ये कमेंट निकल कर आए, हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन सबके द्वारा काफी एक तकड़े वाली रिएक्शन दी गई, ठीक है, कि पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जा रही यहां पर ये सोशल मीडिया में, तो यहां पर इसके ऊपर हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री की काफी तकड़ी रिएक्शन यहां पर निकल कर आई, तो उसके चलते यहां पर ये जो इशू है ये बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर डिस्कस किया गया और कहीं ना कहीं यहां पर ये ऑलरेडी ट्विटर पर भी ट्रेंड किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर इसको देखा गया। तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यहां पर कंपनियों को बोला यहां पर कि हुंडई टोयोटा केएफसी या फिर पिज्जा हट कि आप लोगों को देखकर काम करना चाहिए, यहां पर हमारे देश में अगर बिजनेस आप लोग कर रहे हैं तो उसको देखिए आप लोग यहां पर, और खासकर कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज चीजों को नहीं करना चाहिए, ये बातें यहां पर निकल कर आई। तो यहां पर जो मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया अभी यहां पर कोरिया के जो एम्बेसडर है यहां पर उसको बुलाकर उसको भी तलब किया गया कि यहां पर ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, चलो सही है यहां पर चीजें समझ में आ गई। पर लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ गई। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब जो है उन्होंने कोरिया के काउंटर पार्ट तक बात पहुंचा दी, यानी कि कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उस तक बात पहुंचा दी, यहां पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो पार्लियामेंट में लेकर चले गए और यहां पर जयशंकर साहब जो है वो कोरिया के मिनिस्टर तक लेकर चले गए। तो इससे राइटर जो है वो थोड़ा सा खफा है यहां पर। रीजन क्या है खफा होने का, काफी हद तक मुझे भी कहीं ना कहीं वैलिड लगा कि एक तरीके से देखिए पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इस मुद्दे के बारे में बार बार बातें हो, ठीक है, तो बार बार बातें होगी तो क्या होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर बार बार सुर्खियों में आएगा, लोग इसके बारे में बातें करेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस रीजन को लेकर लड़ाई है। आज के टाइम पर ही कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का पार्ट है, पर लेकिन जब जैसे बार बार पाकिस्तान अपना नाम घुसेड़ कर इसमें इसको बार बार इंटरनेशनल लेवल पर उठाता रहेगा तो लोगों को लगने लगेगा इसको ये न मान के कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, ये बोलने लगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का एरिया है यहां पर, तो वो वाली बातें बोलना स्टार्ट कर देती है फिर दुनिया, और वही उसकी मंसूबे हैं और उस मंसूबे में कहीं ना कहीं हम लोग उसकी हेल्प करें सक्सेस होने में। क्यों? क्योंकि राइटर यहां पर ये बोले कि चलो हुंडई टोयोटा केएफसी ने जो किया वो बहुत ही गलत था और गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आना वो काफी अच्छा था, इनको करना भी चाहिए था, इनको बेसिकली चेतावनी देनी चाहिए थी इन कंपनीज को कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बिस्तरा बांध देंगे हम लोग। वहां तक सारी चीजें बिल्कुल सही है, हमारी कंट्री में ये जो काम किया गया वो बिल्कुल सही था। फिर चलो यहां तक भी सही है कि किसी कंट्री के एम्बेसडर को आप लोगों ने बोल दिया तुम्हारी कंट्री की कंपनी यहां पर क्या कर रही है, एक बार को ये भी आप लोग सही बोल सकते हैं कि उनकी कंपनी है तो उनके एम्बेसडर को तलब करना बनता है। क्यों? क्योंकि एम्बेसडर होता ही कौन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एक आईएएस ऑफिसर ही तो होता है, पर लेकिन उसी कंट्री के आप लोग जाकर मिनिस्टर को ये बातें बोलना और उस कंट्री की मिनिस्टर को जाकर ये बातें तलब करना, तो ये थोड़ी सी ज्यादा लेवल की हो गई है, ये और एक्स्ट्रा लेवल का आप लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठा दिया, तो ये अब इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें और ज्यादा लोगों की सुर्खियों में आ गई, वरना किसको पता है कितने लोग फॉलो करते हैं यहां पर पाकिस्तान में हुंडई की पोस्ट, ठीक है, तो कंपनी को बोलकर साइड में कर देना था, इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर इशू को बनाना तो हमारी खुद की जो चीज है उसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, यानी हमारे घर की इज्जत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पाकिस्तान जो चाहता था वही उसके बेसिकली जो क्लेम चाहता है वो बार बार जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, वो उसकी कहीं ना कहीं हरकतें जो है उसी ने यहां पर वो पोस्ट करा रहा था ताकि ये और ज्यादा मीडिया में डिस्कस किया जाए, ठीक है, तो वो वाली चीज देखने को।
मिली। तो इंडिया के द्वारा जो क्लेम है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर वो स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं वाइडली एक्नोलेज भी है, ठीक है। वो कोई फर्जाइल नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी कंपनी आकर पोस्ट कर देगी तो वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सबको पता ये बात है। पर लेकिन खुद हम लोग अगर उकसा उकसा कर ऐसे काम करेंगे, क्योंकि फॉरन जो गवर्नमेंट है उनकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर उनके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में जो हरकतें की जा रही है, अब यहां पर मान लीजिए हमारी कंट्री की अलग अलग हमारी कोई कंपनी है उसके अलग अलग ब्रांच है विदेशों में, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कोई कर देता है, मान लीजिए टाटा के द्वारा कल को चलकर किसी कंपनी में पाकिस्तान के ऊपर कमेंट कर दिया गया तो वहां पर वो टाटा को बेसिकली क्या बोलेंगे, टाटा की जो लोकल ब्रांच है उसको बोल देंगे, मैक्सिमम टाटा के हेड तक पहुंचा देंगे, हमारी कंट्री के एम्बेसडर तक पहुंचा देंगे, सीधे सीधे गवर्नमेंट तक पहुंच गए मतलब, तो वो वाली बात कुछ ज्यादा होगी एक छोटी सी कंपनी की छोटी सी पोस्ट को लेकर, तो बहुत बड़ा इशू बना दिया खुद हम लोगों ने। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री पर हमारे रिलेशन क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोकल एक इशू था, इसको इतना ज्यादा ग्लोबलाइज बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। सेम काम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया रिहाना की पोस्ट को लेकर, अबे रिहाना एक सेलिब्रिटी है, पॉप स्टार है, ठीक है, होगी अपने घर की, उसने फार्मर के प्रोटेस्ट पर कमेंट कर दिया तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया पूरे देश के अंदर में जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से ये इशू जो है गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जनता पार्टिसिपेट करिए समझ में आता है, मीडिया पार्टिसिपेट करिए समझ में आता है, पर गवर्नमेंट का रिएक्शन आते ही वो वैलिड रीजन बन जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कंपनी ने माफी मांग ली थी तो ये हमारी विक्ट्री हो चुकी थी ऑलरेडी, पाकिस्तान के द्वारा जो एपीडीए पोस्ट की गई यहां पर वो सारे पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा था और कहीं ना कहीं उनका प्रोपोगेंडा सक्सेसफुल हो चुका है जब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एंट्री कर ली। तो शांत स्वभाव में हम लोगों ने एमएनसी को बोलकर काम को इधर उधर कर देना चाहिए था और यही बेसिकली प्रॉपर चीजें होनी थी। तो यहां पर एक तरीके से चीजों को शांत स्वभाव में ताकि गवर्नमेंट का नाम भी ना आए और काम निपट जाए, ये काम करना था। आप लोग क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं यहां पर, ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो थे पंजाब में गए, सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, तो वो काफी बड़ा मुद्दा था अगर आप लोगों ने देखे, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये बोलना कि मैं जिंदा आ गया वो एक बहुत बड़ा इशू बना था और उसको भी काफी बड़ा डिस्कस किया गया था कि एक तरीके से खुद प्राइम मिनिस्टर अपने ही देश के अंदर अपने स्टेट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे बन जाते हैं कि हाँ आप लोगों को ये कैसे देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने ही देश के बारे में बातें चल रही है तो वहां पर इस तरीके के मुद्दों के बारे में अलग तरीके थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सनली जो राइटर के द्वारा बातें बोली गई वो मैंने आप लोगों के सामने रखी और आप लोग क्या रहे इसके बारे में वो भी आप लोग वही बता सकते हैं, ठीक है। तो बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपने व्यू अपने विचार आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से या फिर इंडिया का क्या इंटरेस्ट रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रांस के द्वारा एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया गया अभी यहाँ पर यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, पूरा आर्टिकल डिटेल में मैं कई बार भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से आप लोग सुनिएगा, कुछ और नए एंगल आप लोग को जानने को मिलेंगे। यहां पर आप लोग को यूक्रेन देखने को मिलेगा, इधर आप लोग आएंगे तो यहां पर रशिया देखने को मिलेगा। यूक्रेन एक टाइम पर रशिया का पार्ट हुआ करता था जब इसको आप लोग यूएसएसआर बोला करते थे, तो ये जो यूक्रेन वगैरह सारे थे यहां पर आप लोग देखते हैं 14 नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यूक्रेन नजर आएगा। ये लगभग टोटल मिलाकर 15 देश ऐसे थे जो कि यहां पर यूएसएसआर से अलग हुए, विघटन हो गया और एक तरीके से अलग अलग हो गए, 15 नहीं बेसिकली 14 अलग हुए थे, 15 तो खुद रशिया ही है, तो रशिया अलग रह गया जो कि पुतिन के कंट्रोल में है और बाकी का सारा अलग अलग हो गया। तो ये जो अलग अलग देश हो गए यहां पर छोटे छोटे जो चुनुक चुनुक से जो देश बन गए यहां पर, ये जैसे अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बेलारूस हो गया, एस्टोनिया हो गया, सारे जो देश यहां पर निकल कर आए हैं 15 अलग अलग। अब ये 15 देश एक एक कर नेटो का मेंबर बनते जा रहे हैं। नेटो क्या है? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नेटो है यहां पर ये बेसिकली एक तरीका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये नेटो बना ही इसलिए गया था यहां पर कहीं ना कहीं जिससे कि यहां पर यूएसएसआर के टाइम पर यहां पर रशिया को टैकल किया जा सके, तो उसको टैकल करने के लिए बनाया गया था। तो सारे छोटे छोटे से जो मेंबर थे यहां पर ये सारे जुड़ने स्टार्ट हो गए। अब बात आ गई यूक्रेन के ऊपर, अगर कल को यूक्रेन भी यहां पर नेटो का मेंबर बनता है जो कि वो बार बार बोल रहा है पब्लिकली आकर, क्योंकि यूएसए उसको उंगली लगा रहा है कि अगर यूएसए उसको उंगली लगाएगा तो दिक्कत क्या रहेगी, वो बार बार बातें करेगा और यूएसए एक सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा जो सेला सांप आप लोगों नहीं होता घर में, कोई ऐसे एक घर में नहीं मतलब बाहर का कोई इंसान होता है वो घर में सेंध लगाकर बैठा रहता है दोस्त बनकर और घर में लड़ाई लगवाता रहता है। नहीं किसी के मतलब घर में दो तीन भाई हैं, उनको बोल दिया तेरा बड़ा भाई ऐसे कर रहा है, दूसरे को बोल दिया तेरा छोटा भाई ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो मतलब उनमें आग लगाए रखना, आगे जाके उसके पापा को बोल दिया कि बच्चे ना इस तरीके से करेंगे बुढ़ापे में देख लेना, तो क्या हो गया पूरे घर में आग लग गई। तो यूएसए ऐसे ही करता है हमेशा और इसका फायदा उठाता है दबाकर, और पास्ट में भी आप लोग देखने को मिलेगा वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूएसए और चाइना दो ऐसी कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी अगर यूक्रेन यहां पर पार्ट बन जाता है कल को यहां पर नेटो का, तो कल को चलकर रशिया जो है वो यूक्रेन को कुछ भी नहीं बोल पाएगा और यूक्रेन का पूरा कंट्रोल यहां पर क्रीमिया वाले रीजन पर भी फिर ये बोलेंगे कि हाँ हमको ये रीजन चाहिए वापस, क्योंकि यहां पर तो रेफरेंडम करके रशिया ने अपने हिस्से में ले लिया इसको। और ब्लैक सी एक ऐसा लोता एरिया है रशिया के लिए जिसकी वजह से रशिया सबसे ज्यादा चिंतित रहता है, क्यों?
क्योंकि रसिया एक तरीके से आप लोगों को नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा आर्टिक वाले रीजन में, और वहां पर मैक्सिमम टाइम बर्फ जमी रहती है, चीजें वहां पर जमी रहती है। तो अगर इसको सामान लाना और ले जाना है तो ब्लैक सी एक ऐसा सोर्स है इसके लिए, जहां से सामान लाकर ले जाकर यहां से बेसिकली सी ऑफ मामरा से होते हुए यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी में पहुंचता है, और फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये दुनिया के साथ में व्यापार करता है। यानी कि रसिया के लिए यहां पर ये काफी एक सुगम तरीका है यहां पर दुनिया के साथ में व्यापार करने का, जहां पर भी ये जाना चाहता है तो यहां से निकलकर जा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है जहाज के पानी के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू, जहाज के पानी के थ्रू कई बार ना ट्रंप कुछ अलग ही रेवर पे रहती है। तो यहां पर ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके चलते रसिया के लिए काफी इंपोर्टेंट रहता है। पर लेकिन जो अगर यूक्रेन कल को चलकर नेटो का मेंबर होगा तो कुछ नहीं बोल पाएगा, इसी की वजह से रसिया ने दुनिया भर की फोर्सेस यहां पर यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा रखी है। अगर कुछ भी इशू हो गया तो तुरंत यूक्रेन को कैप्चर करेगा। यूक्रेन की कैपिटल है यहां पर कीव, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब पूरा मुद्दा इतना तो समझ में आ गया कि मुद्दा क्या है, ये बनना चाहता है नेटो का मेंबर, रसिया नहीं चाहता नेटो का मेंबर बने, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है नेटो का मेंबर बन जाए, तो रसिया इसकी वजह से अनसिक्योरिटी फील करता है, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में झड़प चल रही है। अब मुद्दा समझते हैं, सबने अलग अलग तरीके से ट्राई कर लिया है कि यहां पर कैसे मुद्दे को सुलझाना है। अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो पहुंचे यहां पर रशिया से, रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने, और इसी के साथ में यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलने, तो रशिया और यूक्रेन दोनों से मिले, और यूरोप के अंदर जो इसको लेकर अलग टेंशन चल रही है उसको साइड में करने की कोशिश की गई। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है उनके द्वारा रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में बात की, और इसी के साथ में उनके द्वारा यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में भी बात की, तो दोनों को बोला कि आप लोग एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम दिया गया मिंस्क एग्रीमेंट। तो मिंस्क एग्रीमेंट आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये मत बोलना कि भाई कहां से आ गया क्वेश्चन यार ये, ठीक है, क्योंकि ये इतनी बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जब भी यूक्रेन के इशू के बारे में आते हैं एक दो बार तो इसका जिक्र मैं कर ही देता हूं, अगर ध्यान से आप लोग सुन रहे होंगे। तो मिंस्क एग्रीमेंट या मिंस्क अकॉर्ड इसको बोलते हैं। मिंस्क क्या है यहां पर, ये बेलारूस की एक कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ और वहां पर बैठकर इनके द्वारा बातें की गई कि यूक्रेन को और रशिया के बीच में जो टेंशन है उसको कैसे सुलझाना है। तो ये रशिया के जो यहां पर प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि मिंस्क एग्रीमेंट को हालांकि इंप्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब तक ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो पुतिन साहब जो है वो यहां पर अगर चाहते हैं कि टेंशन जो है और ज्यादा ना बढ़े, या फिर जो यहां पर जो टेंशन होना बढ़े वेस्टर्न भी अगर चाहता है, तो मिंस्क एग्रीमेंट पर आकर रुकना पड़ेगा। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा मिंस्क एग्रीमेंट क्या है, चलिए इसके बारे में बात करूंगा, पहले कुछ और बातें बताता हूं आप लोगों को। अभी फिलहाल मुद्दा यहां पर यह है कि रसिया और यूक्रेन की टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि नेटो जो है और यहां पर जो ईस्टर्न यूरोप है यहां पर वो बेसिकली यहां पर चीजों को अलग तरीके से देखता है। और यहां पर देखिए जो एक तरीके से आज के दिन अगर बात करें ना, जो मॉस्को है इनके जो रसिया है वो डिमांड करता है कि यहां पर जो एक तरीके से नेटो के बैक द्वारा जो फोर्सेस है यहां पर उसको वहां से हटा लिया जाए, यानी कि मिंस्क एग्रीमेंट को हम लोग मान लेंगे, पर लेकिन जो यहां पर नेटो की फोर्स पड़ी हुई है यहां पर आज के डेट में यूक्रेन के आसपास में इधर, वो सारी यहां पर हटा लेनी चाहिए, ये बातें बोली। पर लेकिन वेस्ट जो हो गया, वेस्ट जब भी बोलता है इसका मतलब होता है यूरोपियन कंट्री या फिर यूएसए, वो यहां पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अपनी फोर्स हटाने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह मानना है कि कल को चलकर अगर हम लोगों ने यहां पर ये जो अपनी फोर्स इनके द्वारा यहां पर रख रखी है, अगर हम लोगों ने अपनी फोर्स हटाई तो तुरंत यहां पर आकर क्या करेगा, यूएस जो रसिया जो है यहां पर वो तुरंत यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेगा, तो उनकी ये चिंता है। पर लेकिन अभी रसिया के बारे में बात करें, रसिया का की कंसर्न ये है कि कल को चलकर नेटो अगर यूक्रेन के साथ में भी कनेक्ट हो जाता है तो ब्लैक सी पर उसका जो जो आधिपत्य है वो यहां पर खत्म हो जाएगा, तो इसको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी, तो उनके द्वारा ये बातें बोली जा रही है। अब यूएसए जो है वो हमेशा से अगर बात करें, वो एक तरीके से यूएसए जो है अर्लियर भी उनके द्वारा ऑफर किया गया था कि म्यूचुअली रिड्यूस करना जो मिलिट्री डिलीट होती है यहां पर ईस्टर्न जो यूरोप वाली साइड में यहां पर रसिया के आसपास में, पर लेकिन अभी भी यहां पर मुद्दा जो है वो बन नहीं पाया। एक है यहां पर ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यहां पर नॉर्मैंडी जो फॉर्मेट ऑफ टू, यानी कि ये जो कंट्री है इनके द्वारा फ्रांस जर्मनी रसिया यूक्रेन के द्वारा मिलकर बातें की गई थी और मिंस्क एग्रीमेंट यहां पर लाया गया था कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो शांति यहां पर बनी रहेगी, पर लेकिन वो शांति जो है अभी फिलहाल अशांति में कन्वर्ट हो गई है। उसके बारे में बात करते हैं क्यों। अभी यहां पर अगर बात करें, डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक इंसान की बात में, और इवन जो यूरोपियन कंट्री है और नेटो वाले मेंबर हैं वो भी आपस में डिफरेंस रखते हुए आप लोग यहां पर नजर आएंगे उनके बीच में भी। कैसे, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर वो यहां पर बोल रहा है कि रसिया से यहां पर एक लाइन जाती है जो कि मैंने दो तीन बार अभी रिसेंटली डिस्कस किया आप लोगों से, जिसको बोलते हैं नोर्ड स्ट्रीम 2। नोर्ड स्ट्रीम 2 क्या है यहां पर, ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि रसिया से निकल के जाती है, और रसिया से होती है यहां पर ये जो नोर्ड स्ट्रीम 2 है ये आप लोगों को जर्मनी में जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर इसको मैं आप लोग को एक मिनट, पिक्चर नहीं मैंने कोई डाली यहां पर, चलिए यहां से कुछ बात कर लेते हैं। ये नोर्ड स्ट्रीम 2 जो है यहां पर ये रशिया से आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहां पर इससे ये पर्टिकुलर ये जो ये सी है यहां पर इससे होते हुए यहां पर ये कहां पर जाएगी, ये जर्मनी तक जाएगी। ठीक है, सी का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैस्पियन सी से क्वेश्चन बन चुके हैं, ब्लैक सी से क्वेश्चन बन चुके हैं, मैप देखते रहा करो भाई साहब, ऐसे ऐसे सुनकर निकल जाओगे ना
तो क्वेश्चन धरे के धरे रह जाएंगे सामने और लगेगा पढ़ तो रखा है पर आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते रहते हो जो कि हजारों बार मैं बता चुका हूं, तो कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करना है, लगे इसको देखना है तो उसको अच्छे से नहीं हारिए। ठीक है, तो यहां पर यूएसए सीधा कह रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शटडाउन कर देंगे अगर यहां पर रशिया जो यहां पर अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर में। ठीक है, तो उसके बारे में बात बात बोली जा रही है, जबकि जर्मनी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आने वाले 50 साल तक लगभग यहां पर गैस मिलने वाली है जर्मनी को, तो जर्मनी क्यों इसके बारे में बात करेगा, क्योंकि जर्मनी को तो दिक्कत हो जाएगी। वरना यहां पर जर्मनी जो है यहां पर वो यहां पर इस्टोनिया को रोकता है, यहां पर इस्टोनिया क्या कर रहा था, इस्टोनिया एक छोटी सी कंट्री है, नेटो का मेंबर है यहां पर, वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था, तो जर्मनी ने बोला कि ये बदतमीजी वाली हरकतें मत करो वरना थप्पड़ दिए दिए जाओगे। ठीक है, तो जर्मनी ने इसको रोका, जबकि रशिया जो अलग अलग मेंबर, सुनिएगा सारे नेटो के मेंबर हैं यहां पर, बाइडन बोल रहा है कि ये पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन को बंद कर दो, जर्मनी इस्टोनिया को रोक रहा है कि वहां पर हथियार सप्लाई मत करो, हंगरी के जो प्रेसिडेंट है यहां पर वो पुतिन से मिले और वो क्या कह रहे हैं कि पुतिन अपनी जगह सही है, उनके द्वारा ये बात बोली गई। ठीक है, जो ये भी यहां पर नेटो के मेंबर है, जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है यहां पर, जिसको आपका नाम जिसका तुर्की हो गया है, ठीक है, तुर्की है, तो यहां पर जो रैक जो यहां पर ये इरोडगन साहब है, इनके द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोली गई, विजिट किया गया यूक्रेन को और ऑफर किया गया पीस समिट के लिए। मैक्रोन साहब जो है यहां पर वो बोल रहे हैं कि मस्ट रेस्पेक्ट रशिया, तो उनके द्वारा बोला गया कि हमको रशिया को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये बातें बोली गई। तो जो बाइडन के द्वारा जो यहां पर बातें बोली गई थी उसके अपोजिट में जाकर कईयों ने बातें बोल दी, यानी कि पूरा यूरोप जो है रशिया को लेकर एक साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी इनके अंदर भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहां पर चीजों को समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मुद्दा क्या चल रहा है अगर आप लोगों से बातें करें, हर एक इंसान चाहता है शांति में रहे। देखिए जहां जहां पर भी पास्ट में लड़ाइयां हुई है ना, वो देश सबसे शांत आप लोगों को देखने को मिलेगा। जर्मनी एक टाइम पर सबसे खतरनाक देश था। ठीक है, जर्मनी के अंदर जब हिटलर आया भाई साहब, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने से पहले भी वहां पर आज के में सोचते हैं, उनको पता है उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। ठीक है, सेम काम जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जापान ने भाई साहब सबसे गंदा देश अगर एक टाइम पे बोले ना, जापान हुआ करता था, यूएसए तक की नाम में दम कर रखा है, जहां चाहे वहां पर लूट पार करते थे, लूटते थे जनता को, जाकर अटैक करते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप लोगों ने देखा, जब यहां पर हिरोशिमा नागासाकी पर जाकर बम बने तब जाकर वो साधु संत बने। ठीक है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी बदतमीजी इतनी काट सकते हैं ना इंसान, वो बदतमीजी उनके द्वारा काटी गई। और आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है वो, सब कंट्री के साथ में शानदार रिलेशन है। आप लोगों ने देखा होगा पासपोर्ट की जब परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसमें सबसे टॉप पर यहां पर आप लोगों को जापान नजर आता है, तो वो वाला एक तरीके से कन्वर्ट इंसान हो जाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जिस घर में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टाइट रहता है, घर में थोड़े से टाइट रहते हैं, उस घर में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा उसके बच्चे अक्सर जो है वो अच्छी डायरेक्शन में निकल जाते हैं, पर लेकिन जहां पर मां बाप थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं और घर में कोई मुख्य चीजों को ढंग से लेकर नहीं चलते हैं, वहां पर बच्चे जो है अक्सर बदतमीजी काटते हुए नजर आते हैं। तो ये जरूरी है कि एक टाइट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए डिसिप्लिन निकल कर आता है जो कि जरूरी बन जाता है। अब यहां पर वर्ल्ड वॉर देख चुके हैं, दो वर्ल्ड वॉर देख चुके हैं, पूरी कोल्ड वॉर देख चुके, तो उनको लगता है अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो प्रेगमेंटिक यानी कि आशावादी चीजें इनको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आशा ढूंढ रहे हैं यहां पर, इसके चलते यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। फ्रांस और जर्मनी जो है यहां पर वो चाहते हैं कि शांति में काम चलता रहे यहां पर, लेकिन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, उसमें भी कोई नहीं सेंध लगाए, तो इसी के लिए मिंस्क जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। अब मिंस्क प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक तो माफी दे देनी चाहिए यहां पर जो भी यहां पर एक तरीके से जो रेबेल है जिनको पकड़ा गया दोनों साइड से, यहां पर जो भी दिक्कतें देखने को मिली जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको माफीनामा दे देना चाहिए। दूसरा, संविधान में संशोधन करना चाहिए ताकि जो ईस्टर्न रीजन है उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, एक तरीके से दोनों जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो थोड़ा सा उसको भी पावर दे दी जाए, और यूक्रेन को मोर ऑटोनॉमी देनी चाहिए जो खासकर उसकी बॉर्डर आर्मी है, बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। सॉरी, यहां तक हुआ ये एक तरीके से, यार ये गलत हो गया, थोड़ा सेकंड रुको, दोनों स्टेटमेंट ही चेंज हो गए, हालात बदल गए जरा सी देर में स्टेटमेंट गए, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है, ओके, ये बात अच्छे बच्चे वाली। ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के सामने है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहां पर ऑटोनॉमी देनी चाहिए किसको, ये पर्टिकुलर यहां पर जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला रीजन है यहां पर खासकर जिसको कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है, और खासकर जो यूक्रेन के बॉर्डर है वो उसकी आर्मी को सौंप देने चाहिए, और अपनी जो मिलिट्री लगा रखी है दोनों साइड से इन्होंने, इनको वो हटा लेनी चाहिए, ये यहां पर इस मिंस्क एग्रीमेंट में बोली गई। तो शांति बनाए रखने का ये आसान तरीका है, तो इसको यहां पर सुरक्षित तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जो यहां पर नॉर्मेंडी जो फ्रेम है यहां पर जो बेसिकली कंट्रीज के द्वारा बातें की गई उसको इंप्लीमेंट किया जाए, यहां पर अब तक किसी ने भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो ये काफी बड़ी खतरनाक बात है। यहां पर रशिया और यूक्रेन को रिवाइव करना चाहिए एग्रीमेंट को, और डिप्लोमेसी के थ्रू यहां पर इशू को सुलझा लेना चाहिए, वरना आगे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे और फायदा कोई और उठाकर ले जाएगा, ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, तो ये मैंने यहां पर आप लोगों को पूरे आर्टिकल के बारे में बता दिया। ठीक है, बाकी अगर इंडिया के बारे में कोई पूछने लगे इंडिया कहां खड़ा है,
तो इंडिया हमेशा जो है अपने लंगोटिया यार रशिया के साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग याद रखेगा। पूरा इशू मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये क्रीमिया है यहाँ पर जो कि ब्लैक सी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर यहाँ पर चलिए कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर। ये कुछ ऐसे एरिया है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं यार, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनको जरूर देखा करो। यहाँ पर ये बाल्टिक सी हो गया। इनके क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से फंस गया, तो यार ऐसे फंस गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि केरला के बारे में, पर लेकिन रियलिटी में ये आर्टिकल केरला के बारे में नहीं है अगर ढंग से बोला जाए। रीजन क्या है इसका? रीजन यहां पर ये है कि ये आप लोग पूरे देश के बारे में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आप लोग यहां पर समझाने वाला हूं। पूरे आर्टिकल को बड़ी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अभी केरला मॉडल को रिवाइव करने की बात की जा रही है, उसको रीडेवलप करने की बात की जा रही है, क्योंकि केरला में जब भी बारिश आ रही है कुछ दिक्कतें हो रही है, तो केरला में पूरे में पानी भर जा रहा है। तो यहां पर बोला क्या गया, बोला यह गया कि केरला जो है उसको रिवाइव करना चाहिए, तो उसके लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। आखिर देखिए अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे केरला के बारे में, तो केरला हमारी कंट्री में यहां पर ये साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता है। अगर आप लोग केरला को देखोगे तो केरला जो है शानदार तरीके से मॉडल नजर आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना शानदार है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हाईएस्ट एजुकेशन रेट कहां पर है, केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी केरला के बारे में कि केरला ये केरला वो। केरला में यहाँ पर हेल्थ के काफी सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, एजुकेशन काफी अच्छी है, लाइफ जो है यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में केरला के अंदर देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब बाहर से जो पैसा कमाकर यहाँ पर देश के अंदर भेजा जाता है उसको आप लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा केरला के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। केरला वासी पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाकर काम करते हैं सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास में आता है। पूरे देश में जो टोटल 28 राज्य हैं उसमें से 20% अकेला, लगभग 19-20% ओनली यहाँ पर केरला के हिस्से में आता है। तो इससे केरला की जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छे से चल रही थी और सारी चीजें एंटरटेनमेंट में चल रही थी मजे मजे में। पर लेकिन 2020 आता है और कोविड-19 लग जाता है और वहां से केरला के वांदे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर इतना पैसा केरला को बाहर से मिल रहा था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठप पड़ जाता है और बंद हो जाता है। तो इसके चलते बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई। केरला में हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा। टोटल जो स्टेट की जो जीडीपी है उसका 4% फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि 4% केरला जो है वो उधारी में चल रहा है आज के डेट में, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देश के अंदर 6% है, पर लेकिन केरला के अंदर 9% देखने को मिलेगा। बोला ना यहाँ पर अभी आप लोगों कि बाहर काफी सारे लोग काम करने जाते थे, तो वो इश्यू यहां पर देखने को मिलेगा। कोविड-19 का जो हेल्थ सिस्टम है यहां पर उसके चलते यहां पर ये चीजों को सुधार नहीं पाए, तो वो इश्यू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। तो जो स्मार्ट एक स्टेट हुआ करता था वो फिलहाल दिक्कत में पड़ गया, क्योंकि यहां पर कई सारे इश्यूज देखने को मिले। एक तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से यहां पर आप लोग कई सारे इश्यू निकल कर आएंगे। याद होगा लैंडस्लाइड के बारे में अभी आप लोगों से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग ढंग से टॉपिक को तैयार किया कीजिए। आप लोग कई बार चीजें बताई भी है यहां पर, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। तो दो रिपोर्ट हमारे देश में यहां पर आई है बेसिकली वेस्टर्न घाट के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कस्तूरी रंगन ने एक रिपोर्ट का नाम, दोनों रिपोर्ट के नाम मैंने दे रखे हैं, और दूसरा है गडगिल। गडगिल ने बहुत ज्यादा यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की, बिल्कुल टाइट कि पूरा वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना दो, ठीक है, जबकि कस्तूरी रंगन है थोड़ा सा मॉडरेट, इसने बोला नहीं यार 37% बना दो बस, ठीक है, ताकि शांति में चीज चलती रहे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहां पर निकल कर आए, पर लेकिन ये सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन नहीं की गई है, ठीक है। तो ये यहां पर सारे इशू जो थे उनको इंप्लीमेंट करना था, पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिला। तो अभी यहां पर केरला के अंदर जो काम करने की जरूरत है उसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो इनको हेल्थ सिस्टम को रिवाइव करना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में केरला में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग मिलेंगे आप लोगों को, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि केरला के अंदर हाईएस्ट शेयर है जो यहां पर जिनके पास में पर्सनल कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल फोन है, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी है, सबसे ज्यादा केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर केरला के अंदर जब इतनी सारी चीजें हैं तो उसको रिवाइव करना थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो हैं। तो सबसे पहला तो बोला गया कि हेल्थ के सिस्टम के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोला गया आशा वर्कर को और सही लेवल पर आप लोग यहां पर एक तरीके से ट्रेन कर सकते हैं ताकि कल को केरला के अंदर जो भी इश्यू है उनको थोड़ा सा टैकल किया जा सके। तो दूसरी बात यहां पर यह बोली गई। तीसरी बात जो यहां पर बोली गई कि यहां पर जो फ्रजाइल सिस्टम हो रखा है, केरला आता है वेस्टर्न घाट के अंदर में, और वेस्टर्न घाट में मैंने अभी बताया यहां पर गडगिल और कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट है उनके द्वारा बोला गया कि सेंसिटिव जोन है, थोड़ा सा देखकर काम करना है, तो उसको देखकर चलना चाहिए। जो गडगिल वाली कमेटी है उनके द्वारा तो काफी सारा बात बोल दी है कि यहां पर पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लो, यहां पर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। इको सेंसिटिव जोन अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर वहां पर जो दूसरी एक्टिविटी होती है बेसिकली नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो खत्म हो जाती है। इको सेंसिटिव जोन जो होता है प्रोटेक्टेड एरिया होता है, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर आप लोगों को अगर बात करें कौन डिक्लेयर करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंदर एनवायरमेंट यहां पर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहां पर इसको नोटिफाई किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर पूछ लेगी इको सेंसिटिव जोन जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, वो किसके थ्रू डिक्लेयर करता है, तो ये मिनिस्ट्री
किसे डिक्लेयर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यहां पर इसको डिक्लेयर किया जाता है। बेसिक यहां पर यह रहता है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कुछ भी अगर हरकतें की जा रही है उस एनवायरनमेंट में उसको रोका जा सके, तो ये पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां पर कोशिश की जा रही है कि इसको रोका जा सके ताकि चीजें आगे आ सके और यहां पर चीजों को रिनोवेट कर ही कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को यहां पर स्टेप उठाने पड़ेंगे, रिवाइव करना पड़ेगा फॉरेस्ट वाला एरिया भी, तभी जाकर चीजें जो है शांति में होगी। और आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी यहां पर उसमें बोला गया 26 में कि 130 जो यहां पर बेसिकली आज के में अगर बात करें ओवर द प्रोटेक्शन जो फॉरेस्ट है उसको और लार्ज स्केल पर हम लोग को लेकर चलना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 130 नेशन के द्वारा बोला गया कि फॉरेस्ट की इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल यहां पर एक्सप्लेन किया गया इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे जो आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है यहां पर। और पहले वाला आर्टिकल जो था वो लिखा गया था शशि थरूर जी के द्वारा, मुझे लग रहा था काफी टाइट शब्द यूज करेंगे पर सिंपल वर्ड उनके द्वारा यूज किए गए, आसानी से आप लोग भी समझ सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन काफी बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, अभी एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में बात की गई और उसके चलते बोला गया कि यहां पर बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में आने वाला है। बहुत सारा पैसा जो एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में बात की गई तो उसके चलते यहां पर यह लगा कि सब कुछ जो है वो प्राइवेट के हाथ में जाने वाला है। यानी कि बोला गया जैसे आज के टाइम देश में मेट्रो चल रही है, ठीक है, तो पूरी की पूरी मेट्रो जो है वो प्राइवेट के हाथ में दे दो, तो वहां पर वो प्रॉफिट इससे कमाएंगे और गवर्नमेंट को पैसा देंगे, ऐसा कुछ यहां पर चक्कर चल रहा है। पर लेकिन राइटर यहां पर यह बोल रहे हैं कि अगर कुछ कंपनीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं अपने देश की ही कंपनीज के बारे में, तो वो आज के टाइम गवर्नमेंट है पर लेकिन शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें से इसरो भी आप लोग एक बोल सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर हमेशा ये ट्रस्ट क्यों करते हैं कि प्राइवेट वाले उनको काफी बड़ा रिटर्न देने वाले हैं और काफी कुछ अच्छा होने वाला है। तो एसेट मोनेटाइजेशन इज ए फाइन इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, यानी कि सारी चीजें सही है बिल्कुल ऐसे कि संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता, संविधान अच्छा है या फिर बुरा डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एसेट मोनेटाइजेशन इज फाइन इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली एंड दैट इज ऑलवेज ए बिग इफ, यहाँ पर इफ ये लगता है इफ, यानी कि अगर ढंग से यूटिलाइज करे तो। ठीक है, तो इसके ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हमारे देश में अभी यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में कई सारी बात की और बोला गया 6 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर निकल कर आएंगे, ये मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये 6 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रेलवे को प्राइवेट के हाथ में दे देंगे, किराए पर दे देना, जैसे टेलीकॉम हो गया, इवन जो यूथ अफेयर जैसे हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, स्टेडियम है वो दे देना, सिविल एविएशन वाला पूरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस शिपिंग पोर्ट ये सारे प्राइवेट के हाथ में दे दिए और उनको बोलो तुम इनको एंजॉय करो जैसे इसे यूज कर सकते हो, बस हमको महीने में पैसा पहुंचाते रहना, जैसे आप लोग घर नहीं देते हो किराए पर, ऐसे यहां पर बात की जा रही है। तो बोला ये जा रहा है राइटर के द्वारा, और राइटर भी कौन है यहां पर, राइटर है यहां पर फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, तो इनके द्वारा बोला गया जो कि यहां पर बेसिकली एक तरीके से आर्टिकल लिखते हैं यहां पर ये। तो नॉर्मली यहां पर बात करें तो ये पीलीभीत से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, पर लेकिन यहां पर ये कुछ और तरीके चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए, यहां पर आज के दिन में जो हमारे पीएसयू हैं उनको हम लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था यहां पर आज के दिन में अगर बात करें कि गवर्नमेंट जो है, देखिए अगर सोचती है कि प्राइवेट के हाथ में जाकर चीजें सुधरेंगी तो प्राइवेट में चीजें सुधरती क्यों है, पहले ये समझिए। प्राइवेट में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, एक तो काफी प्रोफेशनल तरीके से वो लोग काम करते हैं, उनको फंड जो है अच्छा खासा मिल जाता है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है काम करने के लिए। अगर सेम ऑटोनॉमी जैसे हम लोगों ने आज के दिन में इसरो को दे रखी है, ऐसी ऑटोनॉमी आज के दिन दूसरे पीएसयू को दे दें तो भी अच्छे से परफॉर्मेंस यहां पर दे सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट के हाथ में देकर ही चीजें सुधरती हैं, तो यहां पर अपने हिसाब से भी हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई यहां पर, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर समझने वाला मुद्दा है, इसको आप लोग भी समझ सकते हैं यहां पर। और इसके चलते यहां पर कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। हमारे देश में अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 40% अचीव किया गया था जितना प्राइवेटाइज बोला गया था, 70% अचीव कर लिया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और प्रेजेंट टाइम पे मोदी जी के द्वारा यहां पर 91% के करीब अचीव कर लिया गया। यानी कि यहां पर प्राइवेटाइजेशन चल रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्या आप लोग लग रहा है कि प्राइवेट के हाथ में इतनी सारी चीज जानी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि अपने अगर पीएसयू हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव कर जाए तो वहां से भी तो आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो लग रहा है कि ढंग से काम नहीं कर रहे, जैसे कि एयर इंडिया हो गया उसको निकाल दो, तो एक बैलेंस वे में अप्रोच लेकर चलने की बात इनके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा बोलेगी, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अभी स्टार्ट हो रहे हैं और भी कई सारे एरिया में आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर बोला गया नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है फ्यूजन एनर्जी के फील्ड में। तो यहां पर जो टीम है उनके द्वारा बेसिकली यहां पर अब बात की जा रही है फ्यूजन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर चलने की, और सेम पैटर्न आप लोगों को सन में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो फ्यूजन और फिशन में डिफरेंस होना चाहिए। फिशन क्या होता है यहाँ पर, फिशन बोलते हैं जिसे बेसिकली, उसमें से एक पर्टिकुलर एटम जो है दो एटम में यहाँ पर डिवाइड हो गया ऐसे, तो ये टूटना ब्रेक होना इसको फिशन बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिट होना एटम का, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वाला अलग पैटर्न है यहाँ पर, लेकिन फ्यूजन जो होता है उसमें दो आकर मिलते हैं और उससे एनर्जी निकलती है, और ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा सूरज के अंदर होता है, तो इससे ह्यूज एनर्जी जनरेट हो पाती है। अगर सक्सेसफुली इस सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो आने वाले टाइम में एनर्जी की बहुत सारी चीजें जो है हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आसानी से कंप्लीट होती नजर आएगी। तो ये बातें यहां पर बोलेगी, तो काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट के थ्रू यहां पर, और आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इफिशियंसी जो है वो काफी अच्छी अचीव की जा रही है, और सेम प्रोड्यूस किया जाता है यहां पर किसके अंदर, ये सूरज के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो कई सारे देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं आज के दिन में देखा जाए, खासकर अगर इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए, तो सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे सिस्टम के ऊपर, ताकि ऐसी चीजें क्रिएट की जा सके, ठीक है। कल यहां पर हिजाब वाले मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने देखा, मैंने वीडियो भी बनाई थी यहां पर, तो ये मुद्दा ऐसा है यहां पर कि अब इंटरनेशनलाइज मुद्दा देखने को मिल रहा है। यहां पर मलाला यूसुफजई काफी दिनों से फ्री पड़ी हुई थी घर पे, तो लगा कि यार कोई बात नहीं कर रहा है मेरे बारे में, चलो ठीक है, मैं ना इंडिया के अंदर एक इशू चल रहा है हिजाब वाला, उसके ऊपर कमेंट कर देती हूं। अरे यार हमारा इंटरनल इशू है, तुम आकर क्यों यहां पर झाग लो, अपने देश के अंदर झाग लो, वहां पर दुनिया भर के इशू मिल जाएंगे तुमको, लेकिन वही है पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलेगी तो वहां पर कोई ज्यादा रिएक्शन भी नहीं देता है, और वहां पर कोई ज्यादा इज्जत भी नहीं करता है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कुछ भी जाकर बोल दो, ऐसा थोड़े ना होता है यार, हमारा इंटरनल इशू हम अपने आप देख लेंगे, पर लेकिन नॉर्मली देखो तो ऐसी हरकतें निकल कर आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर कमेंट किया गया कि जो आंध्र प्रदेश अलग किया गया यहां पर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, इनके 2014 में यहां पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग किया गया, तेलंगाना नया राज्य बन गया, तो उसको ढंग से नहीं किया गया, ये बातें बोलेगी। तो बाइफर्केशन ऑफ स्टेट के बारे में जब से कमेंट किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर की यहां पर कमेंट के ऊपर तेलंगाना के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि यहां पर ये कैसे कमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से यहां पर इश्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा मुद्दा है यहाँ पर, ये बेंगलुरु के अंदर बेसिकली स्कूल में जो दिक्कतें देखने को मिल रही है हिजाब को लेकर उन्होंने बता दिया, और सेक्शन 144 लगा दिया यहाँ पर क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर का, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया जा सके, ओके। तो ये है यहाँ पर, बाकी आर्मी के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया कई सारे लोगों को यहाँ पर, जो कि एक तरीके से घूमने गए थे, और कई सारे जवान जो है अभी रिसेंटली उनकी जान चली गई यहाँ पर बेसिकली बर्फबारी की वजह से। तो ये कुछ इशू है जो आप लोग समझ सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा है 14 फरवरी को, ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा यहाँ पर, और ऑब्जर्व करने से क्या पता चलेगा हमको, हमको हाई क्वालिटी पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी, वेदर के बारे में पता चलेगा, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के बारे में पता चलेगा, पानी के बारे में पता चलेगा, बाढ़ के बारे में पता चलेगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है C-52, उससे इसको लॉन्च किया जाएगा 14 फरवरी को। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा यहाँ पर जो सतीश धवन सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, ओके। कहां पर है यहां पर, कौन से राज्य में बताइए जरा, पता हो गए। तो दो और छोटे छोटे सैटेलाइट यहां पर जाने वाले, स्टूडेंट सैटेलाइट जिसको बोला गया यहां पर इंस्पायर सेट 1, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसी के साथ में यहां पर लेबोरेटरी ऑफ एटम्स एंड जो स्पेस फिजिक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को ये यहां पर INS-2TD जो कि यहां पर ये लॉन्च किए जाने हैं, तो ये भी सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो 14 फरवरी इसरो के साथ में बेसिकली एंजॉय करने के लिए तैयार रहना। नक्सल, अर्बन नक्सल क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो नक्सलिज्म होता है वो फनकता है, तो वो एक अलग लेवल की चीज होती है। अर्बन नक्सलिज्म का मतलब ये होता है कि अर्बन लेवल पर लोग अपनी राइटिंग कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नक्सल के बारे में लिख रहे हैं, तो वो होता है अर्बन लेवल पर जाकर काम करना। तो ये कई बार आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाता है, तो मुझे लगा एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर ये क्या है, तो मुझे लगा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। mRNA मैसेंजर बोलते हैं mRNA को, तो ये वैक्सीन हमारे देश में आएगी, तो आने वाले टाइम में हमकी और नई दवाई देखने को मिलेगी, तो COVID-19 को कंट्रोल करने में फायदा मिलेगा, एक अच्छी चीज बोल सकते हैं, ठीक है। सुसाइड लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं, 3548 केस रिपोर्ट किए गए लॉकडाउन के टाइम पर, लोगों के द्वारा जॉब जाने की वजह से सुसाइड किया गया, होम मिनिस्ट्री के द्वारा खुद ये बातें बताई गई हैं पार्लियामेंट में। तो मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना भी जरूरी है, सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता यार, पर फिर भी क्या करें, दिक्कतें बन जाते हैं तो इंसान ऐसे स्टेप उठाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की वजह से बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ है, तो यहां पर याद रखिएगा ये प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपए यहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, लैक्टेटिंग मदर को, तो इससे काफी सारी महिलाओं को फायदा हुआ है यहां पर, और ये काफी बड़ी स्कीम है जिसमें प्रधानमंत्री यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो स्कीम है इसमें मातृत्व अभियान, तो जच्चा और बच्चा दोनों को फायदा पहुंचाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को फायदा पहुंचाती है। 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है, ठीक है। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बाकी 40% के करीब जो टीचिंग पोस्ट है IITs के अंदर खाली पड़ी है, और तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, IIT खड़गपुर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, तो इसके चलते पता चलता है कि IITs इनके बारे में इतना बखान करते हैं, वहां भी क्या कंडीशन है आज के में, तो ये चीजें थोड़ी सुधारनी चाहिए। सुडोकू को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आप लोगों का माइंड जो है वो स्टेबल होगा, आप लोग अच्छे से चीजों को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसको जरूर भरा करो, और ये कल का आंसर है, ठीक है।
क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड की मीटिंग होने वाली है, तो आगे फिर डिस्कस कर लेंगे क्वाड में कौन कौन मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो आगे मीटिंग होगी तो डिस्कस कर लेंगे, अभी यहां पर मिलने जा रहे हैं, जो भी आउटपुट निकल कर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मिनिस्टर यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पूरे क्वाड का टॉपिक फिर से कवर करा देंगे जब भी यहां पर मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें कंप्लीट होती रहती है। ओके, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए इन क्वेश्चन के, मुझे काफी अच्छा लगा आप लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इनका आंसर अब यहां पर देख लेते हैं प्रॉपर वे में एक एक्सप्लेनेशन के साथ में। बात की जा रही है चकमा और हिजगोंग, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर माइग्रेंट कम्युनिटी पाई जाती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। स्टेटमेंट है दोनों, एक बोला गया कि यहां पर ये पाकिस्तान का जो बांग्लादेश वाला रीजन है, आज के में इसको बांग्लादेश बोलते हैं, वहां से अरुणाचल प्रदेश में पहुंची, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया चकमा और जो हिजगोंग से यहां पर ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर में आती है, तो सही आंसर क्या है, तो एक बार और अटेम्प्ट कर देख लीजिए सही आंसर आप लोग दे पाते हैं क्या। ए में बोला गया ओनली वन, बी बोला गया ओनली टू, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द बो। तो सही आंसर क्या है यहां पर, सही आंसर है इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, समझते हैं आखिर क्यों। ये जो कम्युनिटी है ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी लंबा एक एरिया क्रॉस कर वहां पर बांग्लादेश से सीधी पहुंची, बेसिकली कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो यहां पर जो हमारे देश के अंदर में मिजोरम और त्रिपुरा में जो पाई जाती है यहां पर कम्युनिटी, ठीक है, तो उसको आप लोग बुद्धिस्ट चकमाज बोलते हैं, यानी कि चकमा कम्युनिटी जो है वो बुद्धिज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो हिजगोंग कम्युनिटी है वो आप लोगों को यहां पर हिंदू कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मली मेघालय में गायरो जो हिली एरिया है वहां पर पाई जाती है। और कहां से निकल कर आए यहां पर, ये जो चित्तगोंग वाला एरिया है यहां पर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर डैम है जिसका नाम था यहां पर कपटई डैम, ठीक है, तो कपटई डैम का कंस्ट्रक्शन जैसे वहां पर हुआ, और ये जो डैम है यहां पर ये याद रखेगा, ये जो बांध है यहां पर ये है कर्णाफुली रिवर के ऊपर, तो 1960 में जैसे वहां पर बांध बनाना स्टार्ट किया, आप लोगों को पता है जैसे जैसे बांध बनता है पानी का लेवल बढ़ता जाता है तो लोगों को वहां से रिप्लेस करना पड़ता है, तो ऐसा ही यहां पर 1964 से 1969 तक देखने को मिला, लोग जो है काफी लार्ज स्केल पर अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गए यहां पर। तो इसी के चलते यहां पर ये भी न्यूज में है, क्योंकि वहां पर देखिए जब कोई बाहर का इंसान आकर रहता है तो फिर लोकल कम्युनिटी को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलने लगती है, तो उसी की वजह से बार बार यहां पर ये चीजें न्यूज में आती है। तो पूरा टॉपिक आप लोगों का ये कवर कराया था काफी डिटेल में, पता होना चाहिए इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। आगे बात करें, मैंने फिशरी रिलेटेड आप लोगों से यहां पर बात की थी और आप लोगों को काफी सारी बातें मैंने बताई थी कि कल को चलकर अगर आप लोग हमारी कंट्री में मछली पालन करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हैं और कहां कहां से उसको सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, और किसान क्रेडिट कार्ड, और मैंने बोला भी था कि किसान क्रेडिट कार्ड में हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो वो कंफ्यूजन अभी बात करेंगे। तो आंसर क्या है, ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया टू एंड थ्री, सी बोला गया वन एंड थ्री, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर है डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी, मत्स्य सेतु के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ब्लू यहां पर ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, और इसी के साथ में किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी मैंने आप लोगों से बात की थी। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है किसानों की हेल्प करने के लिए हो जाता है, और मछली पालन में जो काम करते हैं वो भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोस्टल एरिया में जो किसान है यहां पर उनके लिए ऑल्टरनेटिव काम हो जाते हैं यहां पर, खासकर हमारे कोस्टल एरिया में जो कोस्टल एरिया के राज्य हैं उन एरिया में। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि कोस्टल एरिया के बारे में आप लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, तो इसमें जो भी लोग रहते हैं उनको काफी फायदा पहुंचता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, और 9 राज्य के साथ में जो यूनियन टेरिटरी है आप लोग उसको एक बार गिन लीजिए। कई सारे बच्चे बोले थे सर याद नहीं रहती है, एक लक्षद्वीप हो गया यहाँ पर, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हो गई पुदुचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, पुदुचेरी, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दादर एंड नगर हवेली। तो ये वाली आप लोगों को 4 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो नीचे आप लोगों को यहाँ पर एरिया में देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में इनको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 4 यूनियन टेरिटरी यहां पर कोस्टल एरिया को टच करती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। बाकी 4 यूनियन टेरिटरी कौन सी बच गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हमारी दिल्ली कैपिटल हो गया, और यहां पर चंडीगढ़ हो गया, ये 4 ऐसी हैं जो कि आप लोगों को लैंड वाले एरिया में पाई जाती है नॉर्मली, ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया में पाई जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन जहां पर भी हो तो उसको दूर कीजिएगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें आप लोग याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि कल वाली जो वीडियो थी उस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करना, बहुत सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए, लगभग जो टोटल मुझे कमेंट देखने को मिले 4,500 के करीब कमेंट किए गए, मैंने इतना एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कमेंट आप लोग करोगे, पर लेकिन हाँ बहुत सारे सजेशन आए, बहुत प्यारे प्यारे सजेशन आए। अगर अभी भी आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो अभी 1-2 दिन का टाइम लूंगा मैं प्रॉपर वे में सारे मैसेज पढ़कर, और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके बेस पर चेंज करूंगा। सारे मैसेज मेरे पास में पहुंच रहे हैं वो जो आप लोग कमेंट कर रहे हो वीडियो के नीचे, पर आपको एक भी कमेंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारी पर्सनल बातें भी लिख दी है वहां पर, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ से उनके द्वारा अब तक कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज ली गई है, इसी के साथ में
और भी बहुत सारे जो इश्यूज उनको लग रहे हैं, किस किस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आप लोग वहां पर लिखेगा। कल की वीडियो के नीचे जाइएगा, कमेंट मैंने जो वहां पर ऑफ नहीं कर रखे, कमेंट मेरे पास पहुंचेंगे, वो सारे कमेंट आप लोगों के पास में से एक भी कमेंट नहीं दिखेगा, जैसे कमेंट करोगे गायब हो जाएगा, मेरे पास में पहुंच जाएगा। तो वो काम आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां पर एक दो दिन और कमेंट कर सकते हैं, जब तक मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और देखता हूं क्या क्या आप लोग चाहते हो, फिर उसके हिसाब से लेक्चर के अंदर आने वाले टाइम में आप लोगों को चेंजेस भी नजर आएंगे। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को और सही डायरेक्शन में लेकर चलिए। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जय हिंद।